हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HP GoAIT 871 से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है। कुछ विद्यार्थियों ने यहां पे प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और अपनी शिकायत भी दर्ज की है। क्या हो सकता है आगे, सब कुछ इस वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है किस तरह से ये सारा मामला हाईकोर्ट में अटका हुआ है, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें डिवेल्प हो रही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 817 के लगभग आपको पता है 19,000 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक शिकायत पत्र भेजा है। तो आपको पता है हजारों कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका अभी भी भर्ती में उनका भविष्य लटक सा गया है। ठीक है, जब तक भर्ती क्लियर नहीं होती उनका भविष्य भी यहां पे आप कह सकते हैं अटका हुआ है। तो GoAIT, ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT, पोस्ट कोड 817 की गूंज अब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच चुकी है, तो PMO तक पहुंच चुकी है। और आपको पता है कि इस साल इलेक्शन भी है, तो यहां पर जल्दी से हो सकता है कि इस चीज का निपटारा भी हो जाए। तो कोर्ट केस के बाद से अटकी इस भर्ती की शिकायत PM मोदी को भेजी गई है। इससे पहले आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स ने इवन JP नड्डा, आपको पता है कि BJP के अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनको भी पत्र भेजा था। इनमें इन्होंने साफ आरोप लगाया है कि अफसरशाही की लापरवाही से हिमाचल में रोजगार के केस आप देख सकते हैं लटके हुए हैं और सरकार यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पा रही है। इवन आप देख सकते हैं PMO को यह पत्र 19024 अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो टाइपिंग स्किल टेस्ट दिया था उनकी तरफ से भेजा गया है। इनके टाइपिंग टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद कोर्ट में केस जाने से प्रक्रिया अटकी हुई है। इन्होंने सरकार को चिताया है कि शिक्षित बेरोजगारों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं यहां पे आपको तो पढ़े लिखे होंगे, तभी तो 19,000 की टाइपिंग में आए हैं। ठीक है, यहां पे भी हमने देखा था लाखों कैंडिडेट्स ने GoAIT की परीक्षा दी थी। ठीक है, बार बार सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से बात करने के बावजूद भी इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। ठीक है, GoAIT 817 से संबंधित एक अन्य पोस्ट कोड की मेरिट रिवाइज करने के खिलाफ एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन इसकी सुनवाई अब जुलाई में ही संभव है। उधर आप देख सकते हैं हाई कोर्ट में पोस्ट कोड 817 का केस 20 मई को लगा है। तो 20 मई को ही अभी केस लगा है जिसमें बेसिकली सरकार से आप देख सकते हैं साफ तौर पर जवाब मांगा गया है। तो अभी आप देख सकते हैं सरकार से जवाब मांगा गया है। आगे आप देख सकते हैं दरअसल पोस्ट कोड 817 के पदों में कटौती ना करने की मांग पर ये युवा अड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये भी बात चल रही थी कि यहाँ पे 817 की जो भर्ती है, जो जितनी भी भर्ती है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है, लेकिन जो युवा है जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका साफ कहना है, और वो बिल्कुल मेरे हिसाब से सही भी है, मैं गलत भी जा सकता हूँ, बट वो सही भी है, क्योंकि उन्होंने भर्ती देख के ये फॉर्म भरा था कि यार इतनी भर्ती है, इतने बच्चे टाइपिंग स्किल टेस्ट क्लियर करेंगे तो मेरा नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने साफ मांग किया कि यहाँ पर भर्ती को कम नहीं किया जाए, और इसलिए ये अलग से हाईकोर्ट गए हैं। इससे आप देख सकते हैं इससे पहले गत रविवार को हुए जनमंच में भी हरोली और कांगड़ा के फतेहपुर में युवाओं ने यह मामला उठाया था। हालांकि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री सविन चौधरी का मामले का पता नहीं था और इन्होंने जवाबी